हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, बहुत कॉमनली यूज होती है हमारे क्लिनिक में। बट मैं आज आपको सिर्फ उसके क्लिनिकल टिप्स दूंगी, की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दूंगी जो प्रेजेंट होने ही चाहिए उस पेशेंट में अगर वो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और जानिए कौन सी मेडिसिन है और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं उसके जो क्लिनिकली प्रूवन है और की नोट्स हैं उस मेडिसिन के। आज हम बात करेंगे नाइट्रम यूराटिकम की। नाइट्रम यूर इज अ कॉमन सॉल्ट मेडिसिन एंड कॉमनली यूज एज वी नो इट्स अ पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। बट उसके ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जो होने ही चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूशन की। सो द गर्ल और द पेशेंट यूजली इज अ लीन थिन कॉन्स्टिट्यूशन। नाइट्रम्यूर जो पेशेंट होगा वो लीन एंड थिन होगा, मतलब बहुत डेलिकेट से फीचर्स होंगे, स्वीट सा फेस होगा, इनोसेंट फेस होगा और बहुत प्यारे सी वो दिखने में होगी गर्ल या फीमेल जो भी बोलो। दीज फीमेल्स यूजली लाइक सैड सॉन्ग्स, दे अट्रैक्ट ग्रीफ। ठीक है, तो जो भी वो बिछड़ने वाले सॉन्ग्स होंगे, सैड सॉन्ग्स होंगे, तो उनको बहुत पसंद आएंगे, वो बार बार उसको सुनते रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि नाइट्रम्यूर पेशेंट्स बहुत क्लोज होते हैं, वो यूजली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ना ही वो करना चाहते हैं, पसंद करते हैं उस चीज़ को। तो इस वजह से जब वो सैड सॉन्ग्स सुनते हैं तो उनको वो एक कनेक्शन फील होता है उन सॉन्ग्स के साथ और वो उसी में ही उसी धुन में वो खो जाते हैं और उसी में वो समझते हैं कि उनका वो एक्सप्रेस हो गया है, चाहे उनके तब आंसू निकलेंगे, चाहे तब उनका कुछ जो उनको याद आना है, जो उनकी मेमोरी होगी जिसकी वजह से वो सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे वो याद आ जाएगा और उनको तब रिलीफ एक फील होने लगता है। दे फील रिलीव्ड आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस सैड सॉन्ग्स एंड दे ट्रैक ग्रीफ देमसेल्व्स। बहुत सीरियस टाइप के पीपल होते हैं, देवदास टाइप होते हैं ना जो, बट विदाउट ड्रिंक्स। ठीक है, अब ये लोग देवदास बन जाते हैं तो ऐसे अकेले पड़े रहना उनको अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, दे वेरी सीरियस पीपल, उनको आप इजीली हंसा नहीं सकते, वो लोग को उनमें ह्यूमर नहीं है इतना ज़्यादा। तो लोग शांत रहना, चुप रहना, अपने में रहना, एक क्लोज प्लेस में रहना, अपने घर में ही उनको सब चीज़ें करना पसंद आता है। दे आर नॉट आउट गोइंग पर्सनैलिटीज। उनका पॉजिशन यूजली जो होगा कि उनकी कोई भी तकलीफ कब पड़ेगी, जब कोई सैड इवेंट हुआ होगा, कुछ ग्रीफ हुआ होगा, या वो अपने बहुत क्लोजपन से अलग हुए होंगे। जैसे अगर एक लड़की है वो अपनी मदर से बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा उसको क्लोज है, उसी को ही मानती है हर चीज़, उसे सब कुछ शेयर करती है, उसे फ्रेंडशिप जैसा उसका रिलेशन है, और अगर वो लड़की कहीं हॉस्टल चली गई पढ़ने या वो कहीं बाहर और चली गई, उसके बाद उसको कुछ भी तकलीफ स्टार्ट हो सकती है, उस केस में दैट इज़ अ नाइट्रम यूराटिकम केस, यू नो। तो वो जो एक लव अफेक्शन है और उसकी वजह से उसको जो भी तकलीफ, अब लव अफेक्शन अब उसका किसी के साथ भी हो सकता है ना, इट कैन बी टू अ गर्ल टू अ बॉय, अ बॉय टू अ गर्ल, अ मदर टू अ डॉटर, अ फादर टू अ सन, एनीबडी। सो जो लव अफेक्शन है और उसमें जब वो अलग हो जाते हैं, जब वो बिछड़ जाता है, वो बॉन्ड टूट जाता है, जब उस टाइम पे उसको तकलीफ होती है, उसके बाद उसको वो तकलीफ होना चालू होती है, तो उस केस में नाइट्रम यूराटिकम इज वेरी गुड मेडिसिन। आई यूजली लाइक टेकिंग एक्सेसिव सॉल्ट, यू नो, चटपटा खाना, खट्टा खाना, मैगी, जंक, ऑल द जंक फूड्स दे लव, दे डोंट डिजायर एनी न्यूट्रिशियस फूड, दे डू नॉट वॉन्ट ऑल दो सब्जी रोटी, वो सब उनको पसंद ही नहीं आता है खाना, सब कुछ जंक फूड, खट्टा, नमक ज़्यादा, मतलब चटपटी चीज़ें ही उनको पसंद आती है खाने में और वो उनको तकलीफ भी देती है, उससे उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। उनका यूजली लेफ्ट साइडेड पेन रहता है, हैमर लाइक पेन होता है और ये मेडिसिन क्रोनिक है इग्नेशिया की। इनका मोडालिटी जो रहता है, कब उनकी तकलीफ बढ़ती है या कम होती है, तो यूजली डे टाइम में, सनराइज हुआ तब से लेके सनसेट होगा तब तक उनको फिजिकल कंप्लेंट्स का तकलीफ रहेगा, चाहे हेडेक है, चाहे पेट में दर्द है, चाहे उनका मूड है, वो सब उस डे टाइम में उनका प्रॉब्लम रहेगा। और उनको अच्छा कब लगेगा, जब स्वेटिंग हो जाएगा, उसके बाद उनका हेडेक रिलीफ हो जाता है। यूजली ये हेडेक के लिए है, स्वेटिंग होने के बाद उनका वो हेडेक रिलीफ हो जाता है। दे आर हॉट एंड थर्स्टी, दे हैव मैप्ड टंग, अगर उनके आप टंग चेक करोगे तो कुछ अलग अलग से मैप्स आपको दिखेंगे उनके टंग पे, तो दैट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड कीनोट ऑफ नाइट्रम्यूर। अब हम बात करते हैं उनके माइंड की, उनका माइंड कैसा होता है। दे आर यूजली वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर एक्टिव, दे लव टू यू नो लर्न न्यू थिंग्स,
डांस करना, कुछ क्रिएटिव उसमें जाना, दे लव ऑल दोज थिंग्स एंड दे आर इमोशनल फुल एज वेल. अब कोई उनको बोले कि नहीं बोले, बट वो अपनी तरफ से इमोशन जोड़ देते हैं किसी के साथ और उनके लिए बहुत हद तक वो अपने आप को एक्सटेंड करते हैं वो रिलेशन को बचाने के लिए, वो रिलेशन को संभालने के लिए. जितना उनमें दम होता है, जितना उनमें स्ट्रेंथ होता है, वो पूरी कोशिश करते हैं वो रिलेशन को संभालने के लिए, उस बॉन्ड को बना के रखने के लिए. बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनको लगता है कि अब उनसे ये रिलेशन नहीं संभलेगा, अब बहुत हो गया, अब उसको इनसे छुटकारा चाहिए, तो वो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं उससे. तो अगर एक बार उन्होंने किसी से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अगर उन्होंने एक बार किसी से रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, वो खुद तो बहुत उदास होंगे, खुद बहुत अपसेट होंगे, बट दोबारा उस रिलेशन में वो कभी नहीं जाएंगे. वो उस रिलेशन के लिए, उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए वो कभी कुछ नहीं करेंगे. फिर इस तरह से वो इमोशनली जुड़ जाते हैं किसी के साथ और बहुत कुछ करते हैं उनके लिए, उन जाने अनजाने में. वो सामने वाले को पता हो कि नहीं हो कि वो आपके लिए कुछ कर रहा है, बट वो करते रहते हैं. सो दैट इज़ हाउ मच दे आर इमोशनल फूल्स. और उस चक्कर में दे आर हर्ट एंड देन दे ब्रेक द बॉन्ड. उनको कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए. आप उनको समझाओ कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो ऐसा कर ले या सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा. दे डू नॉट वॉन्ट एनी कॉन्सोलेशन. दे जस्ट हेट देम. दे क्राइज अलोन. अकेले में रहना उसकी, जब वो रिलेशन एक ब्रेक हो जाता है उसके बाद वो देवदास वाले स्टेज में आते हैं और अकेले रहना पसंद होता है. घर में ही रहते हैं, अकेले बैठ के रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे कैसे क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया. दे कीप थिंकिंग अबाउट इट. दे विल नॉट फॉरगेट इट. दे विल नॉट फॉरगिव इट. इतना उनमें होता है कि वो खुद भी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को, उस रिलेशन को, ना ही वो किसी को भूलने देंगे, वो सामने वाले को भूलने देंगे, माफ़ भी नहीं करेंगे उनको. दे डोंट शो एनी सिंपथी आफ्टरवर्ड्स. दे डू नॉट नीड एनी एडवाइस लेटर ऑन. उनका आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करो उसके बाद, फिर वो आपको मदद भी नहीं करेंगे. दे बिकम रिबेलियस आफ्टर दैट. तो उस जिस इंसान के साथ उनको प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए वो रिबेलियस हो जाएगी. आपको मतलब इतने बुरी तरीके से आंसर देंगे, आपको कुछ फॉलो नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे आपको. सो दैट इज़ हाउ दे ब्रेक द बॉन्ड एंड दैट इज़ हाउ मच दे कीप द बॉन्ड फर्स्ट. पूरा अपने आपको स्ट्रेच करके अपना सारा स्ट्रेस लेंगे आपके रिलेशन को बचाने के लिए, अपनी तकलीफें लेंगे, सब कुछ करेंगे, बट फिर एक जो लिमिट आती है कि वो बॉन्ड ब्रेक होना है, तो वो फिर हो जाता है. अगर आप उनको प्यार से बोलोगे कोई चीज़ करने तो वो मान लेंगे, बट अगर आपने कोई ऑर्डर दे दिया कोई चीज़ के लिए कि ये ऐसे नहीं ऐसे ही होता है, इसको ऐसे क्यों किया, उसको वैसे क्यों किया, तो वो कभी आपका वो काम नहीं करेंगे. दे आर वेरी पोजेसिव ऑफ द थिंग्स. ऑफ द थिंग्स बोलो या ऑफ द पर्सन बोलो, कि जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनके साथ उन्होंने वो रिलेशन जोड़ा है, जो उनके अपने हैं, जिनको अपना समझती हैं, उनके लिए दे आर वेरी वेरी पोजेसिव. वो उनको शेयरिंग पसंद ही नहीं है. अगर वो आपका हस्बैंड है, उनका बेटा है, उनका बेटी है, उनका बच्चा है, तो वो किसी के साथ बहुत अच्छे से बात भी कर लेते हैं, किसी से क्लोज हो भी जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से ही. इनफैक्ट उनको पसंद नहीं आता है. सो दैट मच पजेसिवनेस दे हैव. एंड ऑल्सो दे हैव इगोइस्टिक नेचर. दे आर वेरी स्किलफुल. दे नो लॉट ऑफ थिंग्स. दे आर नॉलेजेबल. और पर वो किसी के सामने डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते. अगर उनको यूरिन आ रहा है, टॉयलेट जाना है उनको, और कोई बाहर खड़ा है और वो जल्दी जल्दी करने बोल रहे हैं, दे कैन नॉट डू इट. दे वेरी कॉन्शियस ऑफ इट. सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट नैट्रोम्यूर. हाउ अ नैट्रोम्यूर लेडी विल रिएक्ट, हाउ अ नैट्रोम्यूर विल बी डिटेक्टेड इन द क्लिनिक. ये बहुत बेसिक और बहुत कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो आज मैंने आपको दी है क्लिनिक के लिए. प्लीज़ उसे ध्यान में रखिए और यूज़ करिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में. थैंक यू.